अभी फ्रेंड हम लोग गिरते गिरते बचे, हम लोग सोचे कि 20 से निकालेंगे लेकिन अनबैलेंस हो गया है। फाइनली मेरे को उतरना पड़ा, नहीं तो अभी मैं पानी में गिरता है कीचड़ में। तो कुछ ऐसा एडवेंचर हो रहा है हम लोग के साथ। अभी हम लोग को उधर जाना है और आगे जाना है हम लोग को। 7:59 AM जब से कोविड आया ना गाइस, तब से मैं कढ़ा को अपना दोस्त बना लिया हूँ और डेली सुबह शाम दो टाइम मैं कढ़ा ले रहा हूँ। और अभी अभिषेक का कॉल आया था, वो बोल रहा था कि भैया चलिए कहीं घूमने, देखते हैं। वो अभी बताया नहीं है कि कहाँ जाना है, एग्जैक्ट प्लान नहीं बना है, तो उधर जाके ही प्लान बनाना पड़ेगा। घर से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वेलकम टू द चैनल गाइस, होप यू डूइंग वेल। देखते हैं पानी है कि नहीं यहाँ पे, फिर नहाते हैं, फिर रेडी होके मिलता हूँ। तो गाइस मैं फ्रेश होके और मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। आज मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि जो मेरा वहाँ पे काम है वो स्टेशन के बगल में ही मेरा काम है, उधर मैं जा रहा हूँ। अभिषेक को बोल दिया, अभिषेक मेरा काम कर दिया है, और अभी फ़ोन पे बात हुआ था, वो मेरा काम कर दिया है। और उधर जाते हैं, फिर अभिषेक से मिलते हैं, और अगर फिर कहीं घूमने का प्लान बना तो चलेंगे घूमने। और दिन में लग रहा था कि पूरा क्लियर दिन रहेगा, बारिश वारिश नहीं होगा, लेकिन अभी मौसम लग रहा है कि अभी मौसम चेंज हो गया है, लग रहा है कि बारिश होगा, गर्मी भी है, तो कोई ठिकाना नहीं है। 90% चांस है कि हो जाएगा, और होना भी चाहिए यार, पूरा गर्मी है। तो चलो ट्रेन का वेट करते हैं। और अभी टाइम हो रहे हैं 12:20 और मेरा ट्रेन है 12:30 को, तो ज़्यादा देर नहीं है, 10 मिनट है। तो चलो टिकट विकट लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने टिकट लिया जो कि मुझे 10 रुपये का पड़ा। कोविड का समय गाइस, पूरा ट्रेन खाली है पूरा, देखिए कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। फिर फ्रेंड्स मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था तो वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया उधर। और अभिषेक मेरे को पिकअप किया, और अभी हम लोग घूमने का प्लान बना लिए हैं कि कहाँ जाना है। जगह का नाम है बागनल। तो उधर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ, पता है गाइस, मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि मैं अगर कोई नया प्लेस जाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, कैसा होगा नहीं होगा, तो मुझे न्यू प्लेस एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाओ और आनंद लेते हैं वो जर्नी का। और गाइस अभी हम लोग आधा आधा डिस्टेंस कवर कर लिए हैं, दुमका से 40 किलोमीटर के समथिंग होगा वो डेस्टिनेशन, ओके। तो अभी हम लोग ने 20 किलोमीटर कवर कर लिया है,
और बस 20 किलोमीटर और कवर करना है। A few moments later. आप अगर दुमका से आएंगे तो आपको सीढ़ी वाला रोड पकड़ना होगा और वहाँ से 20 किलोमीटर में आपको लेफ्ट साइड में बागनल का चौक मिलेगा, उधर से ही आपको निकलना पड़ेगा लेफ्ट कट लेके। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 6-7 किलोमीटर यहाँ से होगा, 10 किलोमीटर रखिए हो जाएगा। तीन बार मुझे उतरना पड़ा फ्रेंड्स, देखिए कितना खराब रास्ता है। अभी फ्रेंड्स हम लोग गिरते गिरते बचे, हम लोग सोचे कि 20 से निकालेंगे लेकिन अनबैलेंस हो गया। फाइनली मेरे को उतरना पड़ा, नहीं तो अभी मैं पानी में गिरता कीचड़ में। तो कुछ ऐसा एडवेंचर हो रहा है मेरे साथ, हम लोग के साथ। अभी हम लोग को उधर जाना है और आगे जाना है हम लोग को, तभी से पैदल ही चल रहा हूँ। ओह ये बारिश होके ना पूरा बर्बाद कर दिया पूरा। हम लोग सोचे कि इधर से 20 से पार करेंगे लेकिन नहीं हुआ, अनबैलेंस हो गया और गिरते गिरते हम लोग बचे। तो गाइस फाइनली हम लोग वो डेस्टिनेशन में पर पहुँच गए हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है मेरा। अभी से तो यहाँ पे आ चुका है एक बार, लाइव से एक बार तो आए हैं ना। तो हम लोग वो हिल्स पर चढ़ रहे हैं, छोटा हिल्स है, इधर ट्रैक कर रहे हैं थोड़ा। फुल स्वेटिंग हो चुका हूँ गाइस। और दुमका से हम लोग 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, 45। पूरा जंगल झाड़ है, बापरे काटा है। ओह भाई साहब क्या सीन है। तो गाइस कुछ इस टाइप का आपको सीन देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए। हम लोग उधर से आए, वो वाला रोड से आए, इधर से और फाइनली ऊपर पे चढ़े हैं। तो गाइज ये जगह का नाम है बंकी बेड़ा, और अगर आप बंकी बेड़ा आना चाहते हैं तो आपको दुमका से सीढ़ी वाला रोड पकड़ना होगा। 20 किलोमीटर आने के बाद आपको कौन सा वो जगह था स्क्वायर, बागनल चौक आना पड़ेगा, और उधर से 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आपको अंदर में, फुल सटी हो चुका हूँ, आपको अंदर में ये जगह मिलेगा। ये जगह तो बोल सकते हैं कि घूमने के लिए, पिकनिक करने के लिए ये जगह बेस्ट है। तो बट हम लोग को बहुत ज़्यादा आने में प्रॉब्लम हुआ। दिक्कत क्या हुआ कि उस जगह पे पूरा बारिश पूरा हो चुका था, ठीक है। मैं दुमका पहुंचने वाला था और बारिश शुरू हुआ था, और उधर तो थोड़ा कम हुआ बट इधर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। तो पूरा मिट्टी गीला हो गया था, गाड़ी का जो टायर है वो पूरा स्किट खा रहा था। फाइनली हम लोग ये जगह पर पहुँचे हैं। यहाँ से दूर दूर तक कोई बस्ती कोई गाँव नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है।
वो दूर में, बहुत दूर में एक घर दिख रहा है उधर, मेरे को लगता है कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा। वहाँ पे एक गांव दिख रहा है छोटा सा, तो कुछ इस टाइप का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ पे। और हम लोग अभी हिल्स में खड़ा है, छोटा सा ही हिल्स है उधर खड़ा है, और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उधर, जेसीबी वगैरह लगा हुआ है। और ये जब रोड बन जाएगा फाइनली पूरा अच्छा से बन जाएगा, तो 4 व्हीलर भी आ सकता है इधर। अभी तो 2 व्हीलर लाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि इसको जी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये एडवेंचर हम लोग के लिए है, क्योंकि मुझे ऐसा जगह जाना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने घूम लिया जगह, और इस जगह को बाय बाय करने का समय हो गया है। और अगर चैनल में नए हो, सब्सक्राइब करना चाहते तो कर दो यार, सोचना क्या है। बाय द वे, नो फोर्स टू मी, अगर आप चाहते तो कर दो, ठीक है, लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, बाय, टेक केयर। नो 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 नो।